अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो 3.5 एग्जाम्पल है ना, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा, हमने ये वाली भी कर ली, पहली 3.3 थी, 3.4 थी, अब 3.5 है। उसमें दो चीज़ें आपको जो है वो पहले निकाल ली होंगी, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना। मैं दोबारा से पॉइंटर जो है वो ले लेता हूँ, पेन। अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली देखना कि अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस एच की पावर -1 होगी ना, ये थोड़ी गलती हो गई इससे, कि एक बस है वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी। दोबारा विद है, क्या है विद, जब भी विद आ जाए ना तो आप समझ लो वो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बस की कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो बस की इनिशियल वेलोसिटी है। दोबारा से वही करेंगे भाई, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट जो होता है आपका, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब बोलना है कि क्या है, आगे पढ़ो। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक जो है वो अप्लाई होता है, वही हो जाएगा। जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है भाई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, इटसेल्फ जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, जीरो। वी एफ इक्वल टू, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। देखो इसने क्या बोला कि जैसे वो ब्रेक लगाता है ना तो वो रेस्ट में आ जाएगा, तो वो तो बात हो गई कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और टाइम भी दे दिया कितना, 2 सेकेंड, कि ब्रेक लगाने के बाद वो 2 सेकेंड में रुक जाती है। तो टाइम भी आपको यहाँ पे टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड दे दिया। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस निकालना है, मतलब एस निकाल, क्या निकालना है, एस निकालना है। तो फर्स्ट वी फाइंड ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, विदाउट ए वी कैन नॉट फाइंड डिस्टेंस। ये बात तो हमें पता है कि भाई हमारे पास अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है ना, तो जो 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वी एफ स्क्वायर भी है, वी आई स्क्वायर भी है, लेकिन ए नहीं है, क्या नहीं है, ए नहीं है, ठीक है। हमारे पास वी एफ स्क्वायर भी है, यहाँ देखो ये वी एफ स्क्वायर आपके पास जीरो हो जाएगा, वी एफ सॉरी, और वी आई भी है हमारे पास, तो उनका स्क्वायर तो ले सकते हैं क्योंकि दोनों हैं। हमारे पास है क्या नहीं, हमारे पास ए नहीं है, क्या नहीं है, ए नहीं है, लेकिन ए नहीं है तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो हम कैसे कर लेंगे, वो जो ए का फॉर्मूला होता है ना, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, जीरो है, तो जीरो रख दिया वी एफ की जगह, माइनस वी आई आपके पास क्या है, वी आई जो हमारे पास कन्वर्ट हो गया है 16.66, 16.66, और उसको डिवाइड करा दिया टाइम से। टाइम हमारे पास क्या है, 2 सेकेंड है, मतलब 2 से डिवाइड करा दिया, तो जीरो तो कुछ भी नहीं होगा, उसको तो छोड़ दो आप, हटा दो। तो डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर में मुझे बताओ, -16.66 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है। बल्कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है एक्सेलरेशन, देखो ये छोड़ दो, इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन वो मोशन लगा के निकाली हुई है, हम जो है वो इससे निकाल लेंगे। यहाँ पास फॉर्मूला है ना यहाँ पे ए का, ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से हमने एक्सेलरेशन निकाल ली आपकी। देखो यहाँ पे क्या आ रही है, -8.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, एक्सेलरेशन आ गई। हेलो, तो सर वो एस एस तो अभी छोड़ दिया बीच वही तो निकालना है, उसको निकालने के लिए एक्सेलरेशन की चाहिए, एक्सेलरेशन की। में। अच्छा सही है, अभी तो इस इक्वेशन पे थोड़ी कुछ काम किया मैंने, तो इस पे काम किया जो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है ना, इस पे काम करके मैंने ये एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। हमें वी एफ जीरो था, माइनस वी आई 16.66 है, उसको 2 से जो टाइम था उससे डिवाइड किया, अब जीरो हटा दो कुछ नहीं होता, तो -16.66 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया,
-8.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये करके भी देख लो, -16.6 इसको 2 से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा एक्सेलरेशन का। तो अगर करते भी जा रहे हो तो ये करते जाओ, या तो फिर ये मैं वो भी कर लूँगा कि अपलोड कर लूँगा ये ना यूट्यूब पे चैनल आप वो बस लिंक ये आप बोले थे ना स्क्रीन शेयर कर देंगे ग्रुप में कर दिएगा ना आप। वो लिंक दे दिएगा ग्रुप पे। सही है। एक्सेलरेशन यहाँ से आ गई आपके पास, आ गई -8.33 मीटर पर सेकंड। अच्छा जब एक्सेलरेशन आ गई तो जो थर्ड लॉ का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखवाया, तो मैं 2as = vf² - vi² तो ये हो जाएगा आपके पास, ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि भाई 2as = vf² - vi², ठीक है, यही होती है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यूज करेंगे। अब देखो निकालना क्या है, आपने s निकालना है क्योंकि हमने ए बी निकाल लिया और वी एफ और वी आई तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से था, तो एस निकालना है जो यहाँ पे 2a s के साथ ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2a जो है वो इन दोनों से नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास एस आ जाएगा s = vf² - vi² डिवाइड बाय 2a, ठीक है, यहाँ पे जो 2a था वो यहाँ पे इन दोनों के नीचे जाके क्या हो जाए डिवाइड। तो अब एस की जगह पे आप सबकी जगह पे उसकी वैल्यू रख दोगे, वी एफ आपके पास क्या है फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 का स्क्वायर वैसे भी 0 ही होना है, लेकिन हम लिख लेंगे 0 का स्क्वायर - vi क्या है आपके पास 16.66, तो उसका स्क्वायर आएगा 16.66 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 into a। a क्या है हमारे पास, a बेसिकली हमारे पास जो हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लिया -8.33, तो यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा -8.33, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये यस क्लियर। s = अब 16.66 का स्क्वायर मुझे बताओ क्या आ रहा है, 16.66 का स्क्वायर मतलब 2 दफा 16.66 को मल्टीप्लाई करा आप, मल्टीप्लाई करना है। हाँ 2 बार 16.66 को मल्टीप्लाई करा 27 टू टू 277.5 277.555। पॉइंट के बाद हमेशा याद रखो सिर्फ दो डिजिट बताया करो, 277.55, ठीक है। अब डिवाइड, अच्छा जीरो तो कुछ भी नहीं है ना, उसको तो भूल जाओ आप, ठीक है, यहाँ पे जीरो आप बल्कि रखना तो है आपने यहाँ पे, लेकिन आपको पता है जीरो कुछ नहीं होता, तो सिर्फ इसको सॉल्व किया हमने, स्क्वायर किया ये आ गया। अब टू को जो है वो 8.33 से मल्टीप्लाई करा और बताओ क्या आ रहा है, 2 * 8.33 माइनस के साइन समेत करें, वो तो मैंने बाहर कर दिया है, ऐसे ही करें, सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटी सिक्स 66। अच्छा अब एक काम करो, अच्छा ये माइनस ऊपर वाली माइनस और जो ये वाली माइनस थी ये दोनों ऊपर नीचे से माइनस माइनस प्लस होगा, ये आप बोलो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अच्छा अब 277.55 को डिवाइड कर दो 16.66 से, तो आपके पास डिस्टेंस कुछ मीटर में आ जाएगा, ये डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है मीटर में। सर आंसर आ रहा है 16.659।
आवाज नहीं आ रही सर। सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फाइव नाइन, सिक्स फाइव नाइन। नाइन नहीं लगाएंगे, फाइव के बाद नाइन भी है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है वैसे इसके बाद? हो तो रही है, पर सर जो बैठ के पढ़ने में होता है ना वो ज्यादा पॉसिबल होता है। नहीं, बैठ के पढ़ने से ना ज्यादा आसानी से हो जाता है, वो उसमें ना ध्यान लगा रहता है। अब इसमें जहन इतना वो नहीं हो रहा जितना वहां बैठ के और होता है। नहीं ना सर, आदत नहीं है। मैं इसी वजह से मैंने आज तक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तकरीबन 3 महीना ऑनलाइन क्लासेस हुई है मेरी स्कूल की, मुझे समझ में ही नहीं आता था, यही वजह है। अभी तो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ ना, ये तो चलो है, पॉसिबल है, अकेला पढ़ रहा हूँ, जो समझ में नहीं आता उसी वक्त रोक के पूछ लूँ। तो ये सर आपको भी पता है जो बैठ के पढ़ने में होता है वो ज्यादा पॉसिबल होता है। हाँ ये तो है, बातें नहीं होती। सर बात नहीं, तीन समझाया आपने। हाँ ये तो बहुत आसान थे, समझ में आ गया आराम से। Ball is dropped from a tower. It reaches the ground in 10 seconds. एक और न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ओके
अच्छा ये देखो, एक जो है ना, एक बॉल है, उसको टावर से नीचे गिराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक बॉल है, ये देखो, एक बंदा है, वो छत पे चढ़ा हुआ है एक घर की ना, उसको बॉल को वो क्या कर रहे हैं, नीचे गिरा रहा है। अब जब ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को, तो जब हम नीचे उसको गिरा रहे हैं ना, तो उसकी जब इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। जाहिर सी बात है, जब बॉल बंदे के हाथ में है तो तब तक तो वो रेस्ट में है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। या डायग्राम से भी मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब वो गिरा रहा है बॉल को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो अभी रेस्ट फॉर्म में है। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। अच्छा, इसको बॉल को नीचे ग्राउंड तक, यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है? जब ये नीचे यूँ आएगी, नीचे 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 यूँ बॉल आएगी, यहाँ पे हिट करेगी, तो कितना टाइम लगता है इसको ग्राउंड तक पहुँचने में? सिर्फ 10 सेकेंड का वक्त। मतलब इससे अगर आपको थोड़ा आइडिया हो रहा हो कि हाइट कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, है ना, क्योंकि 10 सेकेंड में ही आपने जो चीज़ सीखी वो, बल्कि है काफ़ी ऊंची होगी, क्योंकि 10 सेकेंड भी बहुत होते हैं। अगर आप नॉर्मल जो है वो 3 मंजिला या 4 या 5 या 6 मंजिला घर से आप कोई बॉल गिराओ, तो उसको तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2 या 3 सेकंड लगते होंगे नीचे गिरने में। तो ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, समझो या कोई फ्लैट होगा, कोई आई थिंक 10 मंजिला फ्लैट होगा या 8 मंजिला होगा, वहाँ से बॉल गिराई गई है। तो उसको जब बॉल गिर रही होगी, तो उसका टाइम कितना दे दिया कि वो इतने टाइम में गिर गई है बॉल, ठीक है, 10 सेकंड में बॉल नीचे गिर गई। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट करें हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करें। सही है, मैंने यहाँ पे एच मालूम करने का बता दिया कि एच मालूम करनी है कि हाइट कितनी है। देखो मैंने बता दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मालूम करनी है हमें, और वेलोसिटी मालूम करनी है कि जब ये ग्राउंड पे आके स्ट्राइक हुई यहाँ पे, तो VF जो है फाइनल वेलोसिटी उसकी, जब वो ग्राउंड पे आके बॉल हिट करी, नीचे आके जमीन पे लगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सॉरी, ये मीटर पर सेकंड होगा इसका यूनिट। अच्छा, तो हमें हाइट निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी। अब एक बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ, फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड। अब हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो वहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले रहे थे वो एस को ले रहे थे। हम डिस्टेंस किसको ले रहे थे? एस को। क्यों? क्योंकि हम इस लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, सरफेस पे बात कर रहे थे, कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे, कि कोई चीज़ हवा में नहीं थी, ज़मीन पे ही थी। तो ज़मीन के लिए हम डिस्टेंस लेते हैं, एस लेते हैं। और अगर कोई हवा में कोई चीज़ ले रहे हो, तो हम उसकी ऊपर से नीचे हाइट लेते हैं, वो एस क्या होती है आपके पास, एस बराबर होता है हाइट, समझ रहे हो? इसी तरह से जो हम जमीन की बात करते हैं, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सॉरी, एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम जमीन पे। अगर सरफेस पे चल रही है कोई चीज, कार वगैरह, तो हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इसी तरह अगर वो कहीं नीचे आके गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, हवा में कोई चीज है वो नीचे आके गिर रही है या ऊपर जा रही है, तो उसमें हम ग्रेविटी लेते हैं। ए किसके बराबर हो जाता है, जी के बराबर होता है ग्रेविटी, ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास जी, अच्छा जी को फिर ये कहते हैं, स्मॉल जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, उसको हम जो है वो ये स्मॉल जी का नाम देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जब वो नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगी बॉल। तो ये देखो, गिवन में आपके पास था VI 0 था, और जी जो है वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमको याद होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होती है, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है माइनस? क्योंकि जो ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आएगी ना, तो हम उसको माइनस में ले रहे होते हैं ग्रेविटी को, ठीक है, हम ग्रेविटी को कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये माइनस में होगी, ठीक है। तो ये टाइम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, टाइम आपके पास क्योंकि है 10 सेकेंड का, टाइम क्या है, 10 सेकेंड का टाइम है यहाँ पे आपके पास। अच्छा, निकालनी क्या आपको, हाइट निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी। तो हाइट के लिए ये फॉर्मूला है, हाइट
हाइट के लिए नहीं, बेसिकली जो ये फॉर्मूला है ना, ये वो वाला है जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या थी हमारे पास? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी कि भाई एस इक्वल टू वी आई टी प्लस का हाफ जी टी ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एस एच के बराबर है और ए जो है वो जी के बराबर है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एच इक्वल टू वी आई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। ए बी किस में चेंज हो जाएगा? जी में। बस तो वैल्यूज रख लो, आपको वी आई पता है, वी आई जीरो है, वो ये देखो यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई है सबकी, यहाँ देखो वी आई हमें पता है जीरो है, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है, प्लस हाफ आया मल्टीप्लाई बाय जी, आपके पास ग्रेविटी -10 है मल्टीप्लाई बाय टी, दोबारा टाइम का स्क्वायर है तो टाइम 10 है उसका स्क्वायर कर दो। अच्छा, जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो पूरी क्या हो जाएगी? ये जीरो हो जाएगी, और ये माइनस प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? इस साइन को माइनस कर देगा, माइनस प्लस ये हो जाएगी यहाँ पे माइनस साइन, और हाफ ऐसी रहेगा फिलहाल, और 10 भी ऐसी रहा, और ये माइनस तो यहाँ आ गया था तो यहाँ माइनस हट गया, यहाँ से माइनस हट गया यहाँ से, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो बस यहाँ पे आप कर दो, ये जीरो तो कुछ नहीं है तो जीरो हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ 10 × 100, ये आ जाएगा। अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व किया गया, कैसे आप कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे हम। अब जो 5 आया ना ऊपर बचा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 500 मीटर आ जाएगा माइनस में, -500। ठीक है, ये हाइट आ गई, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बस इसकी अब क्या निकालनी है, हाइट निकाल ली आपने, वी एफ निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी भी तो पूछी थी जब वो बॉल नीचे आके टकराएगी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इतना सिंपल सा एक फॉर्मूला है आपके पास, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का जी टी। अच्छा, यहाँ ए किसके बराबर हो जाएगा? जिस तरह मैंने बताया किसके हो जाएगा, ए बराबर जी के हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ जी आ जाएगा। ये जब होता है जब फ्री फॉल की बात की जा रही होती है, न्यूमेरिकल में किसकी बात की जा रही होती है, तो जो आपकी मोशन है ना वो लीनियर मोशन नहीं है, मतलब वो ऐसी मोशन है जो हवा में हो रही है, मतलब हवा में कोई चीज़ यहाँ पे या तो आप ऊपर फेंक रहे हो या ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही हो, ये कहलाती है फ्री फॉल मोशन। ठीक है, कि कोई चीज़ कोई मीडियम नहीं होता ट्रेवल करने का, तो फ्री फॉल मोशन मूवमेंट होती है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा तो वी एफ आ जाएगी आपके पास। वी आई आपको पता है क्या है भाई? जीरो है ना, ऊपर देखो वी आई आपके पास जीरो है, तो जीरो रख देंगे यहाँ पे वी आई की जगह पे, प्लस साइन आया, जी आपके पास -10 है, हमें ये याद रखना होगा। सिर्फ माइनस कब होगी ये जी? जब ऊपर से नीचे कोई चीज़, अच्छा नीचे से ऊपर जा रही हो तो हमने पता है प्लस जी रखनी है। अच्छा, टाइम जो है वो क्या है? टाइम आपके पास 10 सेकेंड है तो 10 आ जाएगा। अच्छा, तो फाइनली फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी बताओ भाई? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10 × 10 = क्योंकि जीरो तो कुछ नहीं होता वो हटा दो, 10 × 10 = -100 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? -100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। सही हो रही है तो हम कंटिन्यू रखेंगे इसको ही, बाकी देखता हूँ मैं क्या करना है क्लासेस का ना। चलो सही है, चलो बाकी ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, लाफिज़।